अरे विकास कहाँ है? सेक्टर 5 यही है सारी। पंडित जी पंडित जी साइड हो जाओ। चलो चलो आगे चलो। वहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक लगा देख लेना। एक अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर और कबाड़ियों के गैंग को वर्कआउट किया है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो इसका मास्टरमाइंड है, इसका नाम शाहिद खान है। ये नोएडा के ही सूरजपुर थाने का टॉप 10 सक्रिय अपराधियों में इसका नाम है। और यहाँ इसने जनपद नोएडा में बहुत सारी घटनाएं पहले की हैं। इसके ऊपर लगभग 16 मुकदमे हैं। इसके साथ जो दूसरे अन्य जो अपराधी हैं, उसमें एक योगेश है, दूसरा डिम्पल है और तीसरा रिहान है। ये डिम्पल बेसिकली चोरी हुई गाड़ियों को काटता था और काट के उसके पार्ट्स जो थे वो पार्ट्स उसकी सेल आउट करता था। उसी तरह से जो रिहान है, ये भी जहांगीराबाद में गाड़ियों के कट को काट करके और उसके पार्ट्स को बेचता था। तो इस प्रकार ये चोर और कम इसको डिस्पोज करने वाले गैंग्स का खुलासा हुआ है। इन लोगों के पोजीशन से 6 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, जिसमें एक गाड़ी उसके अतिरिक्त एक गाड़ी कटी हुई मिली है और 2 गाड़ियाँ कटी हुई मिली हैं। कटी हुई जो हालत में गाड़ियाँ थी, उसका ये प्रमाण है कि जो कबाड़ी हैं, ये उन लोगों ने इसको काट करके और पार्ट्स में तोड़ने का काम किया है। इन लोगों के पोजीशन से गाड़ी उठाने के बहुत सारे, जो गाड़ी को जब लिफ्ट करते हैं उस समय उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो बरामद हुए हैं। उसके बाद काटने वाले बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बरामद हुए हैं। इस प्रकार ये एक बहुत ही शातिर गैंग को हम लोगों ने बस्ट किया है। इन लोगों से और भी पूछताछ की गई है। इन 4 के अतिरिक्त भी अगर कोई अपराधी इसमें शामिल है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी नैब करें। देखिए, ये बेसिकली क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि ऑटो लिफ्टर्स जो होते हैं अपने माल के डिस्पोजल के लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और उसी क्रम में इनकी मुलाकात इन दोनों जगह से हुई। टिम्पल रहने वाला गुड़गांव का है, वहाँ पे साई इंटरप्राइजेस के नाम से इसका एक कबाड़ी का दुकान है। और ये जो रिहान खान है, ये खान इंटरप्राइजेस करके इसका जहांगीराबाद में है। तो जो ये चोर हैं, इन लोगों ने इनसे टाइप किया और जितने सारे इस तरह के गाड़ियाँ उठाते थे उसको ले करके इमीडिएटली इनको दे करके उसको कटवा देते थे।